ठीक है, तो इन कुछ अपकमिंग वीडियोस में हम बात करेंगे राउटिंग की, एंड विल स्टार्ट विद RIP यानी कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो रिप के बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हिस्ट्री जान लेते हैं कि सबसे पहली ये प्रोटोकॉल है हमारी जो नेटवर्क्स में इंटरकनेक्टिविटी के लिए, इंटर नेटवर्किंग के लिए आप बोल दो, है ना, वो सब के लिए यूज़ की गई थी। तो अगर आपने DCN वाली सीरीज देखी हो, है ना, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, उसमें, या फिर आप एक अलग से प्लेलिस्ट देखोगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट करके मिल जाएगी आपको, वो उसी का पार्ट है। उसमें कुछ वीडियोस हैं 10-12, वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे ARPANET, फिर आपका नॉन कमर्शलाइज्ड गवर्नमेंट एंटिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए नेटवर्क था इंटरनेट जो बना था, देन फिर धीरे धीरे उसको कमर्शलाइज किया गया, एंड इट वॉज डिवाइडेड इंटू यू नो सम डोमेन्स कॉल्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स। अब ऑटोनोमस सिस्टम्स को फिर अपने नेटवर्क को इंटरकनेक्ट कराना अपने राउटर्स के थ्रू, और वो कनेक्टिविटी करानी, फिर उनके बीच में एक दे नीडेड अ कम्युनिकेशन, क्या बोलो उसको, मैकेनिज्म, एल्गोरिदम, है ना, प्रोटोकॉल इन शॉर्ट। तो सबसे पहली जो वो प्रोटोकॉल बनी थी दैट वॉज रिप। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द ओरिजिनेशन ऑफ RIP। इसके बाद ही बाकी सारी प्रोटोकॉल्स आई थी। मैंने आपको CCNA में OSPF से पहले भी सॉरी कुछ चीज़ें बताई थी कि वो जो 47 मिनट की वीडियो है कि देर आर सम पैरामीटर्स विच आर कॉमन फॉर एवरी प्रोटोकॉल। तो एक एल्गोरिदम है जो काम करेगा उस प्रोटोकॉल के पीछे, कोई उसका लेट से प्रोग्रामर होगा या उसका एक नाम होगा एल्गोरिदम का, जैसे OSPF में डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम था, RIP में हमने यहाँ पे लिखा है ये चलता है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम पे। ठीक है, तो रिप जो हमारी प्रोटोकॉल है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, योर बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये हुई प्रोटोकॉल की बात, और बाकी कॉमन बातें क्या थी भाई, टेबल है, टाइमर्स है, मल्टीकास्ट IP है, तो ऐसी ही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं RIP के बारे में। तो थोड़ा सा वो देख लेना आप, अगर देखना चाहें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्यों हमें राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, प्रोटोकॉल्स की, एंड वो सब जरूरत पड़ी। बट एनीवे, उस तरफ में ज्यादा ना जाते हुए वापस आ जाते हैं RIP पे। तो यहाँ पे मैं बस इसलिए ये चीजें बताई है बिकॉज फर्स्ट लिखा हुआ है, दैट्स वाई। और डिस्टेंस वेक्टर फर्स्ट क्या, ये पहली तरह की जो प्रोटोकॉल थी वो डिस्टेंस वेक्टर ही प्रोटोकॉल थी जो पहली तरह की राउटिंग प्रोटोकॉल थी। उनमें से भी कौन सी थी, RIP थी। तो देवर डिजाइन टू यूज इन स्मॉल नेटवर्क्स। अब हम आगे जब देखेंगे ना इसके बारे में थियोरिटिकल, तो आप पाओगे कि वहां लिखा मिलेगा नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न नेट। अच्छा, नेक्स्ट लाइन ही है ये, देखिए, नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न नेटवर्क्स, लेगेसी प्रोटोकॉल, पुरानी है, क्योंकि आजकल स्मॉल नेटवर्क्स तो मिलने नहीं, प्रोवाइडर नेटवर्क देखो कितने लेवल के हैं ना, एंटरप्राइजेस, कॉर्पोरेट नेटवर्क्स, तो रेस्ट इन पीस, ठीक है, फॉर गुड, बट इट यू नो प्लेड इट्स पार्ट व्हेन इट वाज नीडेड, तो वी आर ग्रेटफुल। एनीवे, क्यों नहीं है बेटर एक चॉइस मॉडर्न नेटवर्क के लिए, तो वो आप इसके फीचर्स और उस सब से भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ना हमने मैट्रिक पढ़ी थी OSPF की, थोड़ा सा कंपेयर करके बता दूँ तो अच्छा रहेगा। OSPF की मैट्रिक थी मेरी कॉस्ट, और कॉस्ट डिपेंडेंट थी बैंडविड्थ पे। ठीक है, ऐसे ही हम EIGRP पढ़ेंगे, वहाँ पे देखोगे उसकी भी मैट्रिक कॉस्ट है, लेकिन डिपेंड करती है बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ प्लस डिले पे, दो वैल्यूज, और बाकी तीन वैल्यूज भी आप चाहो तो कन्फिगर कर सकते हो, जिसको K5 वैल्यू बोला जाता है आपकी EIGRP में। बट द पॉइंट इज, रिप की जो मैट्रिक है वो कॉस्ट नहीं है, उसको हम बोलते हैं होप काउंट। और होप क्या होता है, मान लो ये राउटर है R1, लिख दो मैं इसको, बोल लो ये R2 है, यहाँ कोई पैकेट आया, ठीक, और इसको आगे जाना, मान लो कहीं ये R3 है, और यहाँ पे तुम्हारा सर्वर है जहाँ पे इसको, इस क्लाइंट से ये पैकेट आया था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे ही तुम, ये राउटर डिसाइड करेगा, राउटिंग वगैरह चेक करेगा, मान लो रिप है या जो भी है, और इस इंटरफेस से एग्जिट करा देगा, इस इंटरफेस से यहाँ एंटर करेगा, तो समझो कि तुमने ये जो दरमियान है यहाँ पे, ये क्या है तुम्हारा, एक होप है। ठीक है ना, तो व्हेन योर पैकेट लीव्स अ डिवाइस एंड रीच टू द नेक्स्ट वन, अगर राउटर के केस में बात करोगे, व्हेन अ पैकेट लीव्स अ राउटर एंड बीइंग रिसीव्ड एट अनदर राउटर, सो दैट इज अ होप। तो इसके अंदर 15 होप, 0 to 15 होप हो सकते हैं, तो इसका मतलब आप देखो कितना शॉर्ट पाथ है एक, अगर आप लीनियर उसमें चलोगे तो दैट इज वाई योर लेट से रिप इज ओनली सुटेबल फॉर स्मॉलर नेटवर्क्स, इसीलिए क्या है मॉडर्न नेटवर्क्स के लिए प्रेफर्ड चॉइस नहीं है, पहला रीजन है। मैं डिस्कस करता रहूंगा बीच बीच में, जैसे ध्यान आएंगे कि वाई इट्स नॉट अ बेटर चॉइस। ओके, अब जैसे इसमें यही पॉइंट है कि लिखा है सेंड पीरियोडिक राउटिंग अपडेट, हम आगे वर्जन की बात करेंगे, रिप वर्जन 1 वर्जन 2 होता है, तो वर्जन 1 जो था ओरिजिनल वर्जन दैट
डिड ब्रॉडकास्ट एवरी 30 सेकेंड, तो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। मान लो अब अगर टोपोलॉजी में कोई चेंज ही नहीं आया, अगर हमने ओएसपीएफ, याद है आपको तो ओएसपीएफ में पढ़ा था भाई, चेंजेस होंगे सिर्फ तभी आपकी वो चेंज ही प्रोपेगेट किया जाएगा नेटवर्क में, बट रिप क्या करेगा, चाहे चेंज हो या ना हो, एंटायर राउटिंग टेबल विल बी एक्सचेंज, तो जो आपकी बैंडविड्थ को, रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है बेमतलब। इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ है, मतलब भाई अगर मान लो सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने का तुम्हारे पास, लेट्स से ये राउटर है एक, ये राउटर है दो, और मल्टीपल रास्ते तुम्हारे हैं वहां तक जाने के, है ना, आप लेट्स से दिल्ली से और बेंगलोर तक डेटा भेज रहे हैं, और रास्ते में एक आपका राउटर है यहाँ यहाँ, और इस तरह से मल्टीपल आप साइट्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड है, बैकअप पाथ्स एंड ऑल। तो आप एक तो क्या होगा, रिप सेलेक्ट करेगी अपना बेस्ट पाथ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि जो राउटिंग टेबल में जाएगा आपका, है ना, द बेस्ट पाथ। लेकिन बोलो कि भाई अब तुम्हारी रिप की जो मैट्रिक है वो सेम आ गई फॉर मोर देन वन पाथ, यहाँ से भी जो मैट्रिक है होप काउंट आ गया 5, अच्छा अभी तो 2 ही आएगा बट चलो 2 ही लिख लेता हूँ, इधर से भी होप काउंट आ गया 2, बीच वाले से भी 2 है, चलो मैं बीच वाले में अगर एक राउटर और लगा दो R6 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ तो होप काउंट कितना हो गया 1 2 3। तो अब तुम देखो ऊपर से और नीचे से हमारे होप काउंट कितने हो गए, 2 2, तो रिप की मैट्रिक क्या है, होप काउंट, जितने भी कम आपको राउटर क्रॉस करने पड़ेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए उतना ही आपके लिए वो पाथ अच्छा है, ठीक है ना। तो अब लेकिन जब बराबर आ जाए तो अब ये दोनों ही क्या होंगे, तुम्हारे इक्वल पाथ कोस्ट के पाथ है, या इनकी दोनों की मैट्रिक सेम है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, तुम्हारे लोड बैलेंसिंग के लिए यूज होंगे और दोनों ही राउटिंग टेबल में आएंगे। तो मान लो कि एक फ्लो के पैकेट यहाँ से भेज दिए और एक फ्लो के पैकेट यहाँ से भेज दिए, ठीक है ना, तो इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ मल्टीपाथिंग होती है इसके अंदर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अगर ये 3 वाले को सोचो राउटिंग टेबल में डालने का, ओएसपीएफ में भी पॉसिबल नहीं था, उसमें भी इक्वल कॉस्ट ही लोड बैलेंसिंग होती है, सिर्फ एआईजीआरपी में हम बात करेंगे कि वहां अनइक्वल कॉस्ट भी आप लोड बैलेंसिंग करा सकते हो, मतलब कि रूट विद डिफरेंट मैट्रिक डिफरेंट कॉस्ट कैन बी इंस्टॉल्ड इन योर राउटिंग टेबल, तो एक वेरियंस का वहां पे प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रिप के बारे में, इसके टाइमर है जो, अगर आपको एसपीएफ के याद हो हमारे पास हेलो और डेट दो ही टाइमर हुआ करते थे, पर यहाँ पे अपडेट टाइमर है, इनवैलिड टाइमर है और फ्लश टाइमर है, ठीक है। एक और होता है होल्ड डाउन टाइमर, वो मैंने डाला नहीं है यहाँ पे जस्ट टू अवॉइड सम कन्फ्यूजन, बिकॉज आरआईपी इज गुजरे जमाने की बात, तो मैं नहीं चाहता कि हम उसमें इतना वो सब कुछ रखें, मैं सिर्फ जस्ट इसको बना रहा हूँ जस्ट टू कंप्लीट दिस प्ले लिस्ट, अदरवाइज मेरा कोई मोटिव भी नहीं था टू मेक सम वीडियो ऑन आरआईपी, जस्ट टू यू नो कंप्लीट दिस डिस्कशन ऑफ एंटायर सीसीएनए बेसिक लेवल पे, मतलब सब कुछ ही पढ़ लो तुम अगर कंपेयर लेगेसी और वो सब कुछ के लिए भी, तो इट्स देयर, दैट्स वाई ओनली। तो इसलिए आप देखो मैं फटाफट फटाफट से जो इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं उन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बट स्टिल इफ देर इज समथिंग ना जो मिस हो गया या रह गया, प्लीज मैंशन इन द कॉमेंट सो दैट वी कैन एड्रेस दैट इन सम वीडियो। चलो एनी वे, यही दो तीन मेन टाइमर होते हैं तुम्हारे रिप के अंदर, और इसके अंदर होता है अपडेट टाइमर, मैंने बताया हर 30 सेकेंड में ये क्या करता रहेगा, आपका अपनी पूरी राउटिंग टेबल अपडेट के तौर पे भेजता रहेगा सारे नेबर्स को, ठीक है ना। इनवैलिड मान लो दो, ये सब वही है इनवैलिड और फ्लश जो हमने उसमें पढ़ा था ओएसपीएफ में भी, कि भाई ओएसपीएफ में जैसे तुम्हारा क्या होता है 40 सेकेंड तक आप क्या करते हो, 4 हेलो भेजते हो, ठीक है ना, और जब तक जैसे ही वो फोर्थ हेलो का रिप्लाई नहीं आता आप उसको क्या कर देते हो, फ्लश, ठीक है ना। तो उसमें या तो हेलो था 10 सेकेंड और ये आपका क्या था, डेड था 40 सेकेंड, हेलो 10 और डेड 40, ये किस में था, ओएसपीएफ में, उसमें अपडेट टाइमर नहीं था ना, क्योंकि कोई अपडेट जाता ही नहीं था, सिर्फ जो चेंजेस होंगे वही उसी टाइम ही अपडेट किए जाएंगे, ठीक है, इसलिए वहां पे हेलो होता है। तो इसमें ये अपडेट टाइमर एक तरह का हेलो मान सकते हो इसको, तो हम बोलते नहीं है टेक्निकली बट स्टिल इफ यू वांट टू से। इनवैलिड वही है भाई, R1 अगर R2 से कुछ रूट रिसीव कर रहा था और कर नहीं रहा है, मान लो अब इसके अपडेट्स आ नहीं रहे हैं एक साइड से, तो कितनी देर के लिए अपडेट्स ना आए तो आप कंसर्न हो जाओ और उस रूट्स को जो वहां से आपने लर्न करे थे इनवैलिड बताने लग जाओ, तो दैट विल बी 180 सेकेंड, तो 180 सेकेंड 3 मिनट के बाद R1 को अगर वो एग्जिस्टिंग रूट्स नहीं मिल रहे हैं उधर से, तो वो समझ जाएगा कुछ गड़बड़ है R2 के साइड पे इस लिंक पे या जो भी है, एंड इट विल बी कंसर्न्ड। तो लेकिन इमीजिएटली अपने राउटिंग टेबल से वो रूट फ्लश नहीं करेगा, इट विल
एड 1 होल मिनट इन द प्रोसेस, वेट फॉर दैट, एंड इफ स्टिल आफ्टर 4 मिनट्स देर आर नो अपडेट और नो यू नो रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन अबाउट दोज रूट्स, देन ओनली द अपडेट्स और लेट्स से द रूट्स विल बी फ्लश्ड आउट फ्रॉम द राउटिंग टेबल, जो R2 से लर्न किए थे उसने वो वाले. सो दैट इज द पॉइंट बिहाइंड द टाइमर्स ऑफ RIP. और जैसे OSPF में हमने पढ़ा था भाई, अगर टाइमर वैल्यू मिसमैच करती है तो इट विल बी अ कंसर्न फॉर योर टोपोलॉजी, देर विल बी नो नेबरशिप एंड ऑल. तो ये RIP में भी सेम होल्ड करता है. ओके अब बात आती है RIP के वर्जन्स की. भाई RIP में दो वर्जन है, version 1 version 2. version 1 इज लाइक ओरिजिनल वर्जन जो ब्रॉडकास्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आफ्टर एवरी 30 सेकेंड वाला. कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती, आप इसमें प्रोटोकॉल को सिक्योर नहीं कर सकते. और जैसे मैंने OSPF में बताया था नेबरशिप के टाइम पे, कि उसमें हम एक ऑथेंटिकेशन की लगा सकते हैं कि जिस राउटर के पास वो ऑथेंटिकेशन होगी ओनली वही आपस में राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है ना. तो इट्स नॉट सिक्योर, यू कैन से क्लासफुल है. इसमें VLSM सपोर्ट नहीं होता, version 1 में VLSM सपोर्ट नहीं होता. इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ फिक्स लेंथ सबनेट मास्क ही डाल सकते हो, वेरिएबल नहीं. तो इन्हीं सब जो तुम्हारे डिसएडवांटेजेस क्या लगे, डीमेरिट्स थे, इन्हीं को इम्प्रूव किया version 2 ने. तो मल्टीकास्ट है इसके अंदर, ब्रॉडकास्ट की बजाय 2.2.4.9 पे, उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं थी, इसमें ऑथेंटिकेशन है. ये क्लासलेस है, मीन्स आपका VLSM को भी सपोर्ट करता है. अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं होना है, ये तब की वर्डिंग्स हैं जब, और अभी भी बहुत सारे लोगों को तो ये कंफ्यूजन रहती है कि क्लास फुल जब लिख दिया तो फिर इसका मतलब वो सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता. नहीं, सबनेटिंग सपोर्ट करेगा, बट क्लासलेस का एक्चुअल मीनिंग ही तब होता है जब आप VLSM सपोर्ट करो, बस इसको ऐसे समझ लो. तो ये क्लास लेस है एक सेंस में version 1 भी, क्योंकि FLSM तो सपोर्ट करता ही है, बट क्योंकि VLSM नहीं कर रहा इसलिए हम उसको क्लासलेस ना लिख के क्लासफुल ही लिख रहे हैं. version 2 इज ट्रूली क्लासलेस बिकॉज इट सपोर्ट बोथ FLSM एंड VLSM. अब ये जिसको नहीं क्लियर है FLSM VLSM, अगर फर्स्ट टाइम, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये देख रहे हो, आपने ऑलरेडी पूरी सीरीज देख के ही तब आप यहाँ आए होंगे. तो यू बेटर नो व्हाट इज FLSM VLSM. अगर नहीं ध्यान है तो सबनेटिंग वाले कॉन्सेप्ट्स की लास्ट वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये बताया हुआ है. डिफॉल्ट version 1 ही होता है, और version 2 आपको version 2 की कमांड से ही इनेबल करना पड़ता है. तो अगर आप यहाँ देखोगे ना, मैंने लिखा है राउटर RIP version 2 लाइक दैट. अदरवाइज अगर आप version 2 नहीं लिखते तो डिफॉल्ट version 1 ही चलेगा. देन जो हमने OSPF पढ़ा था version 3 के नाम से IPv6 के लिए, और ऐसे ही आपका EIGRP भी है version IPv6 के लिए, ऐसे ही RIP भी इनेबल्ड है IPv6 पे काम करने के लिए. उसको हम बोलते हैं RIP NG, RIP नेक्स्ट जनरेशन. तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हियर. एक सिंपल सी टोपोलॉजी है हमारे पास, और इसमें हम RIP कॉन्फ़िगर करने वाले हैं. दो राउटर्स हैं, दो आपके क्लाइंट सर्वर हैं, एंड लेट्स सी हाउ दे कम्युनिकेट बाय यूजिंग यू नो दीज कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स एंड पैरामीटर्स. अच्छा, इसमें कुछ नहीं है, सिंपली अगर तुम देखोगे राउटर RIP लिखना है, प्रोटोकॉल का नाम, कोई प्रोसेस ID नहीं, कोई AS नंबर नहीं, नथिंग, जस्ट सिंपल राउटर RIP. वर्जन स्पेसिफाई करना है, और आपके जो कनेक्टेड रूट्स हैं वो आप जो आपके मैनेजमेंट के प्लान के हिसाब से जो जो भी एडवर्टाइज कराने हैं RIP में, वो आपको नेटवर्क की सिंटेक्स के साथ, और बस वो नेटवर्क ID लिखनी है, नो सबनेट मास्क नथिंग. बिकॉज इसकी जो राउटिंग अपडेट्स हैं उसके अंदर सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन नहीं जाती तुम्हारे, ठीक है ना. किस वाले में? version 1 में एक्चुअली, इसमें तो version 2 चला रहा हूँ ना मैं. चलो ठीक है, तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाती थी ना, तो तभी तो क्या था ये VLSM सपोर्ट नहीं करता था. अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं अपडेट से और सबनेट मास्क या प्रीफिक्स की अपडेट से याद आया, जो नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा, कि एक और होता है फंडा ऑटो समरी का. अगर आपने सबनेटिंग कर रखी है इस तरह से, और आपने जैसे इसमें मैंने नो ऑटो समरी की कोई कमांड नहीं चला रखी, तो वो सबनेटिंग सपोर्टेड ही नहीं होगी. जैसे अगर मैं 172.20.1.1/24 करूँ, ठीक है, और इसमें नो ऑटो समरी ना लिखो, तो वो अपने आप से तुम्हारी सबनेटिंग को नॉन सबनेटिंग में कन्वर्ट कर देगा RIP, ठीक है. ये ध्यान रखना है. उसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या कमांड चलानी होती है, नो ऑटो समरी. तो ये भी हमें यहाँ मेंशन करनी चाहिए थी मुझे, है ना. तो यह हो सकता है ऑन पर्पज नहीं. एनीवे, तो लेट्स गो टू द पैकेट ट्रेसर एंड डू द लैब. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो पैकेट ट्रेसर इज ओपन नाउ. तो एक सिंपल सी वही अगेन टोपोलॉजी हम बना लेते हैं.
लेट्स टेक अ क्लाइंट हियर, अ सर्वर हियर, एंड दे आर कनेक्टेड वाया देयर राउटर्स, ठीक है ना। तो विल जस्ट डू द कॉन्फिग्रेशन ऑफ आईपी क्विकली, है ना। तो इधर मैं क्या करूँ, वही कर लेंगे कॉन्फिग्रेशन जो हमने वहाँ पे रखी हुई थी, 10.172.20 and 192.50, ठीक है। तो फटाफट से मैं क्या करूँ, जो इसका FA0/0 है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10.1। तो इसमें तो अब आपको आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ये तो हम ऑलरेडी बहुत बार रिपीटेटिव मोड में कर चुके हैं। चलिए फिर हम चलते हैं FA0/1 पे, 172.20.0.1 यहाँ है, डिफ़ॉल्ट है, मैं कोई सबनेटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ। और कॉन्फ़िग 0/1, देन यहाँ पे मेरा है 2.0/0, 192.168.50.1, कॉपी इट, एंड सर्वर भी मैं कॉन्फ़िगर कर दूँ। चलिए, सो इतना करने के बाद मेरे सारे एंड डिवाइसेस और वो सब कॉन्फ़िगर्ड हो गए विद आईपी एड्रेसिंग। नाउ वी नीड टू डू द राउटिंग। तो अभी अगर आप देखोगे तो कोई कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बिकॉज देर इज नो आईपी राउटिंग इनेबल्ड, सो फेल्ड फेल्ड इट विल बी लाइक फेलिंग एवरी टाइम, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, कॉन्फ़िगर रिप हियर, दिस इज माई राउटर वन, होस्ट नेम विल बी ब्रांच राउटर वन, हम चलाएंगे राउटर रिप। देखो यहाँ पे और कुछ नहीं है आगे, ठीक है। नाउ यू आर इन द राउटर रिप प्रोटोकॉल एंड डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स करते हो आप, डू शो प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे आप देख लोगे आपकी जो आईपी राउटिंग इनेबल्ड है सिर्फ, बिकॉज रिप में तो अभी मैंने कुछ डाला नहीं है आपके रूट्स नेटवर्क। जब आप रिप फुली कॉन्फ़िगर कर दोगे देन यू कैन चेक योर आईपी प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना। चलो तो अब मैं क्या करूँ, नेटवर्क कौन से है मेरे कनेक्टेड रूट्स, आप चेक कर लो डू शो आईपी रूट से। तो वन इज योर 10 एंड वन इज योर 172.20.0 एग्जिट, तो दिस इज ऑन R1। अब अगर यहां से शो आईपी प्रोटोकॉल्स अगेन, तो यू कैन सी रिप इज कॉन्फ़िगर्ड, और ये आप 30 सेकेंड चेक कर सकते हो, जो टाइमर था इनवैलिड टाइमर कितना है, होल्ड डाउन कितना है, ये मैंने बोला था ना, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, फ्लश्ड टाइमर कितना, सॉरी फॉर माई वॉइस टूडे, है ना। देन आपका कौन से अपने इंटरफेसिस या नेटवर्क्स हैं जो इसमें एडवर्टीज कराए, ये सारी चीज़ें आप दे, और ये AD दिखा रहा है आपके डिफॉल्ट, ठीक है ना। चलिए तो अब हम चलते हैं सेकेंड राउटर की तरफ, थोड़ा नाम चेंज कर ले पहले इसका, देन राउटर रिप, एंड नेटवर्क मेरा एक तो यही है जो कॉमन है आपका, एंड एक मेरे पास है 168.50.0, एंड इनमें आपको कोई वो नहीं दिखेगी, जैसे क्या था ना तुम्हारा OSPF में और EIGRP में था, है ना। तो वहाँ पे क्या होता था, इतनी देर में कोई मैसेज आ जाता था, हेलो नेबरशिप एंड ऑल, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्लेन सिंपली बस यहाँ पे क्या करना है, शो आईपी रूट में जाओगे, रिप की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए जी, तो दैट्स इट, आप दोनों साइड चेक करोगे शो आईपी रूट, और इसमें एक ही टेबल बनती है, ठीक है ना, शो आईपी रिप डेटाबेस। जैसे आप चेक करोगे तो एक आप थोड़ा सा यहाँ से जानने को मिल सकता है कि ऑटो समरी है इसमें, देखो अभी तक, अब वही वही गलती होगी ना हमारी कि अभी कौन सा वर्जन चला हुआ है, वर्जन 1, और हमने क्या नहीं करा, नो ऑटो समरी नहीं। तो क्या इन्हांसमेंट करनी है, राउटर रिप में वर्जन चला दो 2 एंड क्या कमांड डालो, नो ऑटो समरी। तो ये करना ही है आपको, अदरवाइज आपकी जो सबनेटिंग थी दैट विल नॉट बी सपोर्टेड एट ऑल। तो राउटर रिप वर्जन 2 नो ऑटो समरी, तो ये दोनों काम आपको करने ही करने हैं, ऑल राइट। तो देन यू विल बी गेटिंग योर एग्जैक्ट आउटपुट्स। वेरिफिकेशन तो बस अब कोई इतना वो काम है नहीं है, आप सिंपली यहाँ से देखोगे ARP के बाद योर पैकेट शुड बी सक्सेसफुल। सो दैट्स इट आई गेस फॉर रिप। सो आई ट्राइड के एक जो बेसिक आइडिया है रिप का वो मैं आपको दे दूँ,
एंड इफ देर इज समथिंग दैट यू वॉन्ट मी टू कवर, बिकॉज आई नो कि यू विल नॉट, बिकॉज ये कहीं जरूरत नहीं पड़नी, किसी काम नहीं आने, किसी प्रोजेक्ट में, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, कहीं नहीं, आपको लेगेसी का किसी भी नेटवर्क में नहीं आप पाने वाले हो, जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू क्यों क्यों मैंने बनाई है ये, वो फॉर दैट पर्पज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, एंड इफ देर इज नॉट एनीथिंग एल्स देन आई विल स्टार्ट विद द EIGRP इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।